हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेएन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 5.1 का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सपांड। उसमें हम लोग ने 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन लिखा है, इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं, कौन से, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड में ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी। तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड में एक्स प्लस बी, और उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में एक्स रहेगा प्लस ए बी। अगर हमें इस तरह से कोई टर्म मिलेगा तो हम लोग उसको इस तरह से फॉर्मूले में लिख सकते हैं। अब हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक्सपांड फर्स्ट क्या दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे उसको पहले। क्या दिया है, ए प्लस टू ए माइनस वन। अभी देखो तो अगर यहाँ पे किसी फॉर्मूले में फिट हो रहा है क्या, अभी यहाँ पे क्या दिया, ए है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी की जगह पे सपोज करो कि टू है, ठीक है। जो सेकेंड टर्म दिया उसमें क्या है, ए माइनस बी, तो ए तो है लेकिन माइनस बी है, ठीक है, लेकिन बी है क्या यहाँ पे, नहीं। मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो डिफरेंट है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसको हम लोग एक्सपांड कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, ए प्लस टू ए माइनस वन। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो ए का मल्टीप्लाई ये पूरे टर्म के साथ में करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाय किसे, ए माइनस वन। आ रहा समझ में, अभी बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग प्लस ले लेंगे, क्या है टू है, तो इसका मल्टीप्लाई पूरे सेकेंड टर्म के साथ, तो ए माइनस वन। आ रहा समझ में, इसका मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ में, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरा इसके साथ में, मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। आ रहा समझ में, अभी ये क्या है, ए है, तो ए इंटू यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, तो माइनस ले लेंगे। आ रहा समझ में, प्लस टू, अभी टू का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे, तो ए है कि नहीं। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये चीज आपको समझना है, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड किया, वहां से आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और ये माइनस है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और ये टू इंटू वन हो जाएगा। आ रहा समझ में, और सॉल्व कर दो, ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर है कि नहीं। अभी देखो ये कितना है हमारा, ए है कि नहीं, ये क्या है, ए, ए का मल्टीप्लाई अगर माइनस वन के साथ क्या करेंगे, मतलब अगर कोई भी हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अगर हम लोग किसी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए आ जाएगा, अब साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का साइन आ जाता है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, और टू का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए आ जाएगा। आ रहा समझ में, ये माइनस है तो माइनस का साइन ए पे आ जाएगा, और टू वन जा टू। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कुछ डिडक्ट हो रहा है क्या, मतलब माइनस हो रहा है क्या, तो हो रहा है कैसे, तो देखो ए का स्क्वायर अभी पावर में है तो वो किसी के साथ में माइनस नहीं होगा, क्योंकि पावर में पावर से ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे टू ए है, इसको समझो कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है, ए है और प्लस टू ए है, ठीक है। जिसे अगर आपने देखा होगा तो x प्लस एक्स हम लोग अगर उसको ऐड करते हैं तो कैसा आ जाता है, टू एक्स हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, टू ए है ना, उसमें से ए के माइनस करेंगे क्या बचेगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए और ये माइनस टू। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस किए हम लोग तो यहाँ पे माइनस कर दिए, लेकिन साइन देखेंगे किसका ग्रेटर है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये जो आ जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह देखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोग को, m माइनस फोर ब्रैकेट में m प्लस सिक्स। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या दिया हम लोग को, a प्लस बी, ए माइनस बी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो अगर देखो तो ये हमारा a हो जाएगा पहला टर्म और ये b हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है।
सेकेंड में भी सेम क्या आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, लेकिन ये बी हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंट होगा, मतलब ये फॉर्मूला अपना है नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमने अभी एक क्वेश्चन देखा था, एक और देखते हैं। तो m माइनस फोर और m प्लस सिक्स, तो कैसे, सिंपल, m का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पूरे m प्लस सिक्स के साथ में कर देंगे, तो m प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो माइनस फोर यहां पर आ जाएगा। अब इस माइनस फोर का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में कर देंगे, तो m प्लस सिक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो m का मल्टीप्लाई m के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस आ जाएगा m इंटू सिक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई मतलब माइनस फोर के साथ में, माइनस फोर का मल्टीप्लाई m के साथ में, तो माइनस फोर इंटू एम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि कौन सा साइन आएगा, माइनस है और प्लस है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा फोर इंटू सिक्स। आ रहा समझ में, बहुत ही सिंपल, मल्टीप्लाई कर दो m का स्क्वायर, m में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6m, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा 4m हो जाएगा, और ये माइनस 24। आया समझ में, इसको हम लोग और रिड्यूस कर लेंगे, जो वैल्यू रिड्यूस होगी m का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो 6m है और यहाँ पे 4m है, दोनों क्या है, सेम टर्म है कि नहीं। अभी देखो m का स्क्वायर है तो ये तो उसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जैसा सेम कोई और दूसरा टर्म नहीं है, लेकिन 6m है और 4m है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर लेंगे। तो अभी देखो 6 प्लस में है और 4m माइनस में है, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन ग्रेटर है, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, और ये m वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस 24। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग को, पी प्लस एट पी माइनस थ्री, सेम इसको भी हम लोग सेम चेक करेंगे कि हमारे फर्स्ट वाले या सेकेंड वाले फॉर्मूले में किसी में फिट हो रहा है क्या। तो देखो ए प्लस बी है, अभी यहाँ पे ए मान लो ये पी जो है ए हो गया और एट जो है वो बी हो गया, तो ए प्लस बी है, करेक्ट है। ए माइनस बी मतलब सेम जो यहाँ पे रहेगा सेम वही यहाँ पर भी रहना चाहिए, ए की जगह पे पी है और बी की जगह पे थ्री है, मतलब सेम है क्या, नहीं, मतलब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो पी प्लस एट पी माइनस थ्री, सिंपल, पी यहां पर ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पी माइनस थ्री के साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, प्लस एट, ठीक है, और यहाँ पे पी माइनस थ्री। आ रहा समझ में, मल्टीप्लाई कर दो पी का मल्टीप्लाई पूरे के साथ में, तो पी इंटू पी, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं साइन है, मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस पी इंटू थ्री प्लस। आ रहा समझ में, एट का मल्टीप्लाई पी के साथ में तो एट इंटू पी, अभी देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस एट इंटू थ्री। आ रहा समझ में, अभी मल्टीप्लाई कर दो पी का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो पी स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, थ्री पी हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, एट पी, और ये माइनस 24। इसको सॉल्व कर देंगे तो पी का स्क्वायर, अभी देखो यहाँ पे माइनस थ्री और प्लस एट पी है, दोनों जगह पी है, मतलब दोनों क्या है, सेम सेम टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अभी एट में से थ्री जाएगा तो कितना आ जाएगा, फाइव, और किसका साइन ज्यादा है, प्लस का, तो प्लस फाइव पी माइनस 24, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो तीनों क्वेश्चन को हम लोग को उसी तरह से सॉल्व करना पड़ा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, इस फॉर्मूले में उसके फिट नहीं हो रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 13 प्लस एक्स और 13 माइनस एक्स, इसको हम लोग फिर से चेक करेंगे ये किसी फॉर्मूले में फिट हो रहा है क्या। तो ए प्लस बी, तो सपोज करो 13 ए है और एक्स क्या है, बी है, तो एक्स प्लस बी, करेक्ट। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, अभी देखो यहाँ पे दोनों हमें मिल गया फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो 13 प्लस एक्स, 13 माइनस
एक्स, ठीक है। अभी देखो 13 की जगह पे क्या है, ए है, ए प्लस बी की जगह पे क्या है, एक्स है। सेम उसी तरह सेकेंड टर्म में क्या है, 13 की जगह पे ए है, तो मतलब ए हो गया और बी की जगह पे क्या है, एक्स है। तो अब इसके बदले में हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर है कि नहीं, माइनस बी का स्क्वायर, और ए की जगह पे क्या है, 13 है, तो मतलब 13 का स्क्वायर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, और बी की जगह पे क्या है, एक्स है, मतलब एक्स का स्क्वायर है कि नहीं। अब 13 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, तो कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से कर लेने का, 13 × 13 माइनस एक्स इंटू एक्स, अब मल्टीप्लाई कर दो, 13 का मल्टीप्लाई 13 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 169 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ में, तो एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर वो फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो फिर फर्स्ट टर्म को सिलेक्ट करेंगे पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को सिलेक्ट करेंगे पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो सेम वैसे ही आंसर आएगा। इसको एक काम करना आप डायरेक्टली, जैसा अभी मैंने जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए उसको आप वैसे सॉल्व करना, देखना आपका आंसर सेम टू सेम आएगा। उसी तरह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग को, 3x + 4y, 3x + 5y, ठीक है। अब इसको भी हम लोग चेक करेंगे फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है क्या किसी, तो देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा a माइनस बी, माइनस का साइन है नहीं, मतलब फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला वो अप्लाई नहीं होगा है कि नहीं। अब सेकेंड वाले को चेक करेंगे x प्लस ए, ठीक है, तो सपोज करो कि फर्स्ट वाला टर्म हमारा क्या है, x है, सेकेंड टर्म क्या है, a है, ठीक है, ये अप्लाई हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड क्या दिया है, x प्लस बी, मतलब जो टर्म यहां पर रहेगा सेम वही यहां पर भी रहना चाहिए, तो 3x यहां पर है तो 3x यहां पर भी है, मतलब यहां पे भी हमारा x हो रहा है प्लस, अभी बी है, बी है मतलब कोई दूसरा टर्म रहेगा, तो मतलब यहां पर बी हो रहा है, मतलब क्या आ रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे, तो 3x + 4y, 3x + 5y। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अभी एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमारा, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या दिया, a प्लस बी दिया है ना, तो a प्लस बी मतलब कौन सा, फर्स्ट टर्म ना, मतलब a प्लस बी, तो कौन सा, a की जगह पे क्या है, 4 है, y भी आ जाएगा उसके साथ, तो 4y प्लस, ठीक है, और b की जगह पे क्या है, तो 5y है, तो 5y आ रहा, समझना कैसे, x, अब x की जगह पे क्या है, 3x, तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x प्लस। अब ए बी बोला है, ए बी, ए बी मतलब मल्टीप्लाई में है, तो a और b का मल्टीप्लाई मतलब 4y × 5y आ रहा समझ में। अब इसको सॉल्व कर दो, अभी 3x स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, और x को स्क्वायर में लिख लेंगे, आ गया समझ में, प्लस अभी देखो 4y + 5y क्या आ जाएगा, 9y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे भी y है यहां पे भी y है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, आए समझ में, मल्टीप्लाई 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई में दिया है ना, तो मल्टीप्लाई में यहां पे शो कर देंगे, ठीक है, प्लस अभी 4 का मल्टीप्लाई किसमें, 5 में, और y का मल्टीप्लाई y में, तो y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 20y का स्क्वायर। इसको हम लोग देखेंगे और सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, 9x² तो 9x² हो गया, ठीक है, अभी नंबर्स का मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ में कर दो, तो 9 × 3 = 27, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x और y है तो इस तरह से लिख सकते हैं x और y, क्योंकि ये दो, ये पूरे टर्म का जो यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा हो किस तरह से मल्टीप्लाई में ही है, तो सेम हमने नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया नंबर्स के साथ में, और जो वेरिएबल्स थे उसके साथ में हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस 20y का स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा आंसर मिल जाएगा, आया समझ में, तो इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पे हम लोग का ए स्टैंडर्ड का 5.1 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।